एपीआई एपीआई एपीआई, जिसको देखो एपीआई का गाना गा रहा है। आखिर है क्या एपीआई? जिसको भी देखो यही बोल रहा है कि हमारे कोर्स में एपीआई बनाना सीखेंगे, हमारे कोर्स में एपीआई को हैंडल करना सीखेंगे, डेटा लेना है एपीआई से ले लो, एपीआई बना के दे दो। तो आखिर माजरा क्या है, क्यों इतनी कहानी हो रही है एपीआई के पीछे, और क्या नई टर्म है ये एपीआई, कैसे समझे, कैसे इसको जाने? अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि एपीआई क्या है, क्योंकि विकिपीडिया पे तो आप ऑलरेडी जा चुके हो और वहाँ पे जो ये डेफिनेशन मिल रही है उससे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो तभी तो आप इस वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा एपीआई क्या है बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हमें एक्चुअली समझ में आए कि एपीआई है क्या, क्या काम करना चाह रही है, क्यों इसका यूज़ है और कैसे इसको काम में ले सकते हैं हम। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वही घिसा पिटा रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल, वेटर आयर, अरे वो एग्जाम्पल मैंने करीब 7-8 साल पहले अपने इंग्लिश चैनल पर दिया था। अभी ज़माना इतना बदल गया है तो वही घिसा पिटा एग्जाम्पल थोड़ी ना लेंगे हम हमेशा की तरह, कुछ चेंज करेंगे ताकि एक्चुअली में मॉडर्न वर्ल्ड से आप रिलेट कर पाएं और समझ पाएं कि एपीआई एक्चुअली में है क्या चीज़। इस एपीआई को समझने के लिए हमारे पास दो चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है सिंपली सी बात, कि कैसे बातचीत करें, और दूसरा जो चैप्टर है वो है कैसे आलस दिखाएं। हाँ जी, कैसे आलस दिखाएं। बस ये दो चैप्टर आप समझ लीजिए और आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, कैसे बात करें। अब देखिए, हम इस चैनल पे हैं, हम इस चैनल पे हमने ये बात डिसाइड कर रखी है कि हम हिंदी में बात करेंगे, बट ज़रूरी थोड़ा ना है कि हिंदी ही वो भाषा है जो आप यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ मारवाड़ी ज़्यादा बोली जाती है, तो मुझे मारवाड़ी में बात करना ज़्यादा पसंद है। आप हो सकता है गुजरात से हों, गुजराती बोलते हों, हो सकता है पंजाब से हों, आप अलग भाषा बोलते हों, और भी कई तरह से लोग हो सकते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं आमचर्या पे, लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर रखा है कि हम जो बात करेंगे वो हिंदी में बात करेंगे। तो ये हुई पहली चीज़, बातचीत। तो हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, एक कॉमन जगह पे आके जो कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, तो उस भाषा को हमने चुना, उस भाषा में हम बात कर रहे हैं। अब उस भाषा के अंदर से आप कैसे भी इंटरप्रेट करिए, आपको बात समझ में आ जाती है। यही प्रॉब्लम हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर होती है। सपोज़ करिए, ये जो YouTube आप देख रहे हैं, हो सकता है इस YouTube का बैकएंड जो है वो पाइथन में लिखा गया हो, लेकिन जो फ्रंट एंड मोबाइल ऐप है वो हो सकता है जावास्क्रिप्ट में लिखी गई हो। तो आखिरकार दोनों लोग बात कैसे करें? लिखा गया है सर्वर पाइथन में, बात करनी है मोबाइल ऐप के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, या हो सकता है जो आपका वेब ऐप है वो रूबी ऑन रेल्स में लिखा हो, जहाँ वेबसाइट पर आप देख रहे हो। तो इतनी लैंग्वेजेस आखिरकार आपस में बात कैसे करें? तो वो बात करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती है दो तरीके से, एक आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करके और एक आपको क्या बात करनी है, क्या डेटा आपको सेंड करना है उसके थ्रू। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा इसी तरह से बातचीत होती है, कई बार क्या होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग एक्सपर्ट हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, तो हो सकता है जो वीडियो प्लेयर आप देख रहे हैं वो हो सकता है जावा के अंदर लिखा गया हो, जो कमेंट सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे वो हो सकता है कि पाइथन के अंदर लिखा गया हो, जो लाइक बटन है वो हो सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया हो। तो आखिरकार इन सबको भी तो आपस में बात करनी है। किस मोमेंट पे आपने लाइक प्रेस करा, जो शायद आपने अभी तक कर दिया होगा, या फिर किस मोमेंट पे आपने कमेंट प्रेस करा, तो ऑब्वियसली बात है वो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो से आएगी, लेकिन जानी कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। तो बात करना इतना आसान नहीं है कंप्यूटर की दुनिया में, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। तो आपने भी कई बार सोचा होगा, ये अलग अलग लैंग्वेजेस आपस में बात कैसे करती है, या फिर एक सिस्टम कैसे मैं बनाऊं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करके बना हो, लेकिन फिर भी एक ही साथ एक ही वेबसाइट में काम कर रहा हो। हाँ जी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है एपीआई के थ्रू। एपीआई आपको दो चीज़ें देता है, एक देता है प्रोटोकॉल और एक देता है क्या आपको बात करनी है, या फिर क्या डेटा आपको सेंड या रिसीव करना है। अब जो सिस्टम आपने पूरा बनाया जावा के अंदर, उस सिस्टम से आप APIs बनाते हैं। API कुछ भी नहीं है, बस एक डेटा है, लेकिन उस डेटा को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसका डेटा टाइप कैसे करना है, ये हम सब ने आपस में डिसाइड करके और बात मान ली है कि हाँ इसी तरह से हम डेटा भेजेंगे। तो जो सिस्टम आपने जावा में बनाया उससे भी आप API सेंड करते हैं, ताकि आने वाला जो सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, वो चाहे पाइथन के अंदर हो चाहे जावास्क्रिप्ट के अंदर हो, वो भी आपकी बात समझ पाए। तो यही मेन रीज़न है कि API एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें बातचीत करनी है अलग अलग सिस्टम्स में या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। हो सकता है मोबाइल ऐप हो सकता है वेबसाइट हो सकता है आपस में सर्वर ही आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो ये सारी बात करने की जो प्रक्रिया है ये APIs के थ्रू की जाती है। इस चैप्टर का दूसरा भाग है आलस। हाँ जी, आलस भी एक मेजर रोल है जहाँ पे APIs बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब लिटरली उसको आलस कहना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि एक फीचर है और फीचर तो ज़्यादातर आलस की ही देन होती है। तो सपोज़ करिए, आपने कई बार वेबसाइट पे देखा होगा कि लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद ट्विटर, या फिर आपने कई बार देखा होगा कुछ मोबाइल ऐप्स है जो कि आपको सिखाती है कि वेदर एप्लीकेशन कैसे बनाएं।
अब देखिए ओरिजिनली में अगर आपको वेदर एप्लीकेशन बनानी है तो आपको चाहिएगा मात्र एक सैटेलाइट। आप चाहे इलॉन मस्क से उधार ले सकते हैं और उसको भेजना पड़ेगा आपको स्पेस में और वहां से आपको वेदर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब सबके पास इतना बजट तो है नहीं कि एक एक सैटेलाइट ले ले इलॉन मस्क से और भेज दे स्पेस के अंदर, तो फिर ये डेटा आपके पास आ कैसे रहा है? हाँ जी, आप चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ के आए हैं। आपको पता है ये डेटा कोई थर्ड पार्टी आपको दे रही है और API के फॉर्म में दे रखी है क्योंकि हम बात कर पाए उस फॉर्मेट में। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वेदर ऐप है, अब आप जो सिस्टम देखते हैं लॉग इन विद गूगल, उसके अंदर हम एक्चुअली में अपना कोई सिस्टम यूज नहीं करते हैं। हम गूगल को बोलते हैं कि देखिए गूगल साहब, हम हैं आप पे पूरा ट्रस्ट। आप अगर किसी बंदे को बोल रहे हैं कि आप लॉग इन विद गूगल कर लीजिए, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने ऑलरेडी उसका अकाउंट बना दिया होगा अपने सिस्टम पे, जो भी वेरिफिकेशन चेक वगैरह रखने होंगे आपने रख दिए हैं और अब मैं उस बंदे को अपनी एप्लीकेशन यूज़ करने दे सकता हूँ। और जब आप वापस मेरे को एक टोकन भेजें या कुछ भी ये वेरिफिकेशन भेजें कि हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है, तो साथ में उसका ईमेल आईडी भी भेज दीजिएगा ताकि मैं अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर लूँ। तो देखा हमने कितना काम आउटसोर्स कर दिया है, अपना सारा का सारा काम, और ये काम कैसे हो पा रहा है? APIs के थ्रू। तो हमने क्या बोला कि वेदर डेटा, अब हमारे पास तो पैसे है नहीं सैटेलाइट के, तो हमने सीधा बोल दिया कि आप एक काम करिए, जो भी कंपनी ये काम कर रही है सैटेलाइट भेजने वगैरह का, वहाँ से हमें सिर्फ डेटा दिलवा दीजिए। इसी तरह से लॉग इन विद गूगल, हमने कहा देखिए हमें इतना लॉग इन सिस्टम में नहीं पड़ना है झंझट में, हमें गूगल पे ट्रस्ट है, गूगल हमारा लॉग इन कर दीजिए हमारी तरफ से, बस हमें वापस में और एक डेटा भेज दीजिए। यही मेजर काम है आपके APIs का, पहली बातचीत को प्रॉब्लम को सॉल्व करना और दूसरा आपके डेटा को सॉल्व करना। अब अक्सर लोग इस डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेट करते हैं रेस्टोरेंट में। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ जिससे आपका फाइनली ये कंक्लूजन हो जाएगा कि ये API है क्या और कैसे काम कर रही है। देखिए आजकल की डेट में Zomato आपके पास है, बिल्कुल है, स्विगी भी होगा, इन दोनों में से यूज़ करके आप कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट से आप अपना ऑर्डर मंगवाते हैं। फटाक से एक ऐप खोला, ऐप के अंदर आपने मेन्यू देखा किसी रेस्टोरेंट का और बोल दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए डोसा, एक चाहिए मुझे रसगुल्ला और एक चाहिए समोसा। अब समोसा तो ज़रूरी है ना क्योंकि चाय के चैनल पे हैं, तो ये तीनों आपने ऑर्डर कर दिए Zomato से। अब क्योंकि Zomato ने आपको मेन्यू में लिख के दिया था तो आपकी चिंता नहीं है कि इसको कौन बनाएगा, क्योंकि देखिए शेफ जो होते हैं समोसे के अलग एक्सपर्ट होते हैं, रसगुल्ले के अलग एक्सपर्ट होते हैं और आपने कोई डोसा या चाउमीन मंगाया उसके अलग एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आप ये चिंता नहीं ले रहे हैं क्योंकि Zomato ने कहा आप चिंता मत करिए कि शेफ अवेलेबल है या नहीं है, मैं सिंपली आपको ये खाना आपके घर तक पहुँचा दूंगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही API के अंदर होता है, आपको दिया जाता है एक डॉक्यूमेंटेशन और बोला जाता है आप चिंता छोड़िए, ये डेटा कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्यों आएगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, आप चिंता छोड़िए, हमने आपको दिया है एक डॉक्यूमेंटेशन, आप उसको पढ़िए और जो भी डेटा रिक्वेस्ट कर लीजिए, जैसे कि आप स्विगी और Zomato में करते हैं, और आप आराम से बैठ के इंतजार करते हैं। 10 मिनट में, 5 मिनट में आपके पास जैसे खाना जाता है, वैसे ही आपके पास कुछ मिली सेकेंड्स में या फिर कुछ सेकेंड्स में आपके पास डेटा आ जाता है वेबसाइट पर। तो यही कहानी है API की। API बहुत ही आसान है, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि इस तरह से डेटा को अरेंज करिए और इस तरह से जिसने भी रिक्वेस्ट करी है उसको डेटा वापस से सेंड कर दीजिए। तो आगे जाके इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा APIs वगैरह कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चाय और कोड को, क्योंकि कोड की चर्चा चाय पे तो अच्छी ही लगती है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा API क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। मैंने इस वीडियो को खास तौर पे नॉन टेक्निकल रखा है ताकि हर कोई समझ पाए कि API क्या होती है। कोड तो देखिए हम पूरा दिन लिख सकते हैं लेकिन समझ में आना भी तो ज़रूरी है, कोड तो हम लिख ही लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप और देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में।